मौजूदा दौर की बात करें तो सदी के महानायक कहलाए जाने वाले अमिताभ बच्चन आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है और मौजूदा दौर में भी वो इंडस्ट्री में बरकरार है। इंडस्ट्री में रहते हुए वो आने वाले समय में कई सारी बड़ी फिल्मों का हिस्सा भी बनने वाले हैं, या यूं कहें कि जैसे जैसे अमिताभ बच्चन की उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे उनके स्टारडम में भी एक अलग ही चमक देखने को मिल रही है। और मौजूदा दौर में भी अमिताभ बच्चन के स्टारडम में कोई भी कमी नहीं देखने को मिल रही है। बच्चों से लेकर बूढ़े और बूढ़ों से लेकर नौजवानों के बीच में अमिताभ बच्चन का खासा क्रेज आज भी बरकरार है और यही बड़ी वजह है कि अमिताभ बच्चन आज भी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े रहे हैं। अब एक तरफ जहां अमिताभ बच्चन ने शानदार फिल्मी सफर के दौरान एक से बढ़कर एक सुपर डुपर हिट फिल्में दी हैं, तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ में कई सारे विवादों को भी जन्म दिया है। ठीक इसी कड़ी में हम आपको इस वीडियो में अमिताभ बच्चन की जिंदगी से जुड़े उन 5 बड़े विवादों के बारे में बताने वाले हैं जब अमिताभ बच्चन पर गंभीर इल्जामात लगे और इन इल्जामों के बाद अमिताभ बच्चन की काफी ज्यादा किरकिरी भी हुई। वैसे देखा जाए हमेशा से अमिताभ बच्चन की एक साफ सुथरी छवि देखने को मिली है, लेकिन इन 5 विवादों को जानने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे कि कैसे इन सभी 5 लोगों ने अमिताभ बच्चन पर गंभीर इल्जामात लगाए। अमिताभ बच्चन के अगर सबसे पहले विवाद की तरफ नजर डाले तो अमिताभ बच्चन का सबसे पहला विवाद उनके करीबी दोस्त कहलाए जाने वाले कादर खान साहब ने लगाया था। एक ऐसा भी दौर था जब कादर खान साहब और अमिताभ बच्चन की जोड़ी काफी ज्यादा पसंद की जाती थी। इतने नहीं, कादर खान साहब के कलम से लिखी गई कई सारे ऐसे भी डायलॉग रहे जिन डायलॉग को बड़े पर्दे पर बोलकर अमिताभ बच्चन ने काफी लोकप्रियता हासिल की। लेकिन एक ऐसा भी समय आया जब इन दोनों की दोस्ती में खटास आ गई। अब हुआ यूं कि एक बार कादर खान साहब ने अमिताभ बच्चन पर निशाना साधा था और कहा था कि सांसद बनने के बाद अमित बहुत ज्यादा बदल गया था। कादर खान साहब ने कहा था कि उसने मुझे भी कहा था कि अगर तुझे सियासत वाले ले जाना चाहते हैं, अगर तू जाएगा तो मैं वहां खड़ा होकर तेरे खिलाफ पब्लिसिटी करूंगा, ये आदमी गलत है, इसे वोट मत दो और तुझे हरवा दूंगा। कादर खान साहब ने कहा कि MP बनने के बाद अमिताभ बच्चन बहुत बदल गया था। यहां हम आपको इस बात से भी रूबरू कराना चाहेंगे कि साल 1984 के चुनाव के दौरान कांग्रेस की टिकट पर इन्होंने इलाहाबाद की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, जिस चुनाव में इन्होंने जीत भी हासिल की। उस दौरान अमिताभ बच्चन को लेकर एक अलग ही क्रेज देखने को मिला, लेकिन अमिताभ जब सांसद बने थे तो उनके करीबी दोस्त कादर खान साहब बहुत ज्यादा नाराज हो गए थे, क्योंकि उनका मानना था कि राजनीति इंसान को बिल्कुल तरीके से बदल देती है। ठीक इसी कड़ी में दूसरे सबसे बड़े कलाकार थे शत्रुघ्न सिन्हा, जिन्होंने अमिताभ बच्चन पर गंभीर इल्जाम भी लगाए थे। अमिताभ और शत्रुघ्न सिन्हा ने कई सारी बड़ी फिल्मों में काम भी किया और इन दोनों की दोस्ती भी किसी से छुपी नहीं है। लेकिन एक ऐसा भी समय आता है जब ये दोनों गहरे दोस्त एक दुश्मन बन जाते हैं। फिल्मों की बात करें तो इन दोनों ने दोस्तारा और काला पत्थर जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में कहा था कि लोग कहते हैं कि पर्दे पर अमिताभ और मेरी जोड़ी बेहतरीन है, लेकिन अगर वो मेरे साथ नहीं काम करना चाहते, अगर उन्हें लगा कि नसीब शान दोस्ताना और काला पत्थर में शत्रुघ्न सिन्हा भारी पड़ गया तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसी कई फिल्में हैं जिनमें मैंने छोड़ दिया और साइनिंग अमाउंट तक लौटाया। शत्रुघ्न सिन्हा का इस दौरान ये भी कहना था कि उन्होंने अमिताभ बच्चन के लिए कई फिल्मों को छोड़ा और साइनिंग अमाउंट भी लौटा दी थी। इतने नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि मुझे मेरी परफॉर्मेंस के लिए जो तारीफ मिल रही थी वो समस्या था, मुझे जो सराहना मिल रही थी अमिताभ वो देख नहीं पा रहे थे, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि मैं कुछ फिल्मों में काम करूं और मैंने उनकी इसी चाहत को पूरा करने के लिए उन सभी फिल्मों को छोड़ दिया। ठीक इसी कड़ी में अगर तीसरे विवाद की तरफ नजर डालें तो रेखा के संग इनका अफेयर इस कदर चला कि ये विवादों में आ गए थे। अमिताभ बच्चन का एक लंबे समय से अभिनेत्री रेखा के साथ विवाद रहा। दोनों ने कई सारी हिट फिल्मों में काम भी किया और बताया जाता है कि इन्हीं फिल्मों की शूटिंग के दौरान रेखा के प्रति अमिताभ बच्चन का प्यार बहुत ज्यादा बढ़ गया। वहीं दूसरी ओर रेखा हर कीमत पर अमिताभ को अपना बनाना चाहती थी, लेकिन सिलसिला फिल्म में काम करने के बाद फिर इनकी जोड़ी कभी भी बड़े पर्दे पर नहीं नजर आई, जिसमें अमिताभ बच्चन की पत्नी व अभिनेत्री जया बच्चन ने भी काम किया था। बताना चाहेंगे कि अमिताभ बच्चन ने जब जया से शादी कर ली तो वो भी अपने घर गृहस्थी को ठीक ठाक रखना चाहते थे, ऐसे में उन्होंने रेखा से दूरी बना ली, लेकिन इस दूरी ने अमिताभ को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया था और कई सारे लोगों ने अमिताभ की काफी ज्यादा आलोचनाएं भी की थी। इसी के साथ ही अगर चौथे विवाद की तरफ नजर डालें तो अमिताभ का उनके ही करीबी दोस्त अमर सिंह के साथ भी विवाद रहा है और अमर सिंह ने एक बार अमिताभ को लालची तक कह दिया था। अमर सिंह वही हैं जिन्होंने बोफोर्स घोटाले में अमिताभ को निकालने के लिए काफी ज्यादा मदद की थी। अब एक ऐसा भी समय था जब अमिताभ और अमर सिंह के बीच में गहरी दोस्ती हुआ करती थी, लेकिन बाद में दोनों के रिश्तों में खटास आ गई। अमर सिंह ने कहा था कि अमिताभ बच्चन दिवाला हुए तब उन्होंने उनकी जमकर मदद की, लेकिन बाद में उनके मुश्किल समय में बिग बी ने मदद करने से इनकार कर दिया और इसी दौरान अमर सिंह ने अमिताभ को लालची तक कह दिया था।
इसी के साथ ही पांचवें और आखिरी विवाद की तरफ से डालें तो एक बार अमिताभ पर यौन उत्पीड़न का आरोप भी लगा था। बताना चाहेंगे कि पूर्व मिस इंडिया सयाली भगत ने साल 2011 में अमिताभ बच्चन, साइनी ओझा और साजिद खान पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। बाद में अमिताभ ने सयाली के खिलाफ केस दर्ज करवाया, जिस पर सयाली ने कहा कि वो साइबर क्राइम की शिकार हुई हैं। सयाली ने इस दौरान कहा कि उनका अकाउंट हैक हुआ है और ये पोस्ट फेक था। तो दोस्तों, ये रहे थे अमिताभ के वो पांच विवाद, जिन पांच विवादों के चलते अमिताभ बच्चन को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन सबके बावजूद अमिताभ बच्चन अपने करियर में आगे बढ़ते ही रहे। आज मौजूदा दौर में भी वो फिल्म इंडस्ट्री में बरकरार है और आने वाले समय में कई सारी बड़ी फिल्मों का हिस्सा भी बनने वाले हैं।